मध्य प्रदेश के सागर की हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा पाठ। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में एक छात्रा के क्लासरूम में नमाज पढ़ने के बाद आज हिंदू संगठन बजरंग दल ने यूनिवर्सिटी परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर क्लासरूम में हनुमान चालीसा का पाठ करने का अल्टीमेटम दिया है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद के बाद सागर की हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लासरूम में छात्रा द्वारा हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। विश्वविद्यालय ने घटना की जांच के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन बजरंग दल ने नमाज पढ़ने वाली छात्रा पर तुरंत कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय से आज भी मांग की है। इसके पहले बजरंग दल ने यूनिवर्सिटी परिसर के मंदिर के सामने हनुमान चालीसा पाठ किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रा पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीवी के क्लासरूम में पढ़ाई शुरू होने के पहले प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। सागर में एक यूनिवर्सिटी में एक नमाज पढ़ने का मामला आया है, उसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? 22 चांसलर सागर ने उस पर एक समिति का गठन किया है। उस समिति की रिपोर्ट जैसे ही आती है अगली कार्रवाई के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।